कल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड टीके की एहतियाती डोज देने की होगी शुरुआत। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग होंगे लाभान्वित। घरौंडा स्थित इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आज से 8वें राष्ट्रीय सब्जी मेले की शुरुआत। देश भर से आए किसान कृषि की नई तकनीकों का उठाएंगे लाभ। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र मिलन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कहा, विश्वविद्यालयों की प्रगति में पूर्व छात्र दें अपना योगदान। आर दुर्गाष्टमी की मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने देशवासियों को दी बधाई। देश की सुख समृद्धि के लिए की मंगल कामना। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कल निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे सभी लोग जिनकी दूसरी खुराक के 9 महीने बीत चुके हैं, वे एहतियाती खुराक के लिए पात्र होंगे। मंत्रालय के अनुसार देश में 15 वर्ष से अधिक आयु उम्र के लगभग 96% लोगों को लगभग एक टीका लगाया जा चुका है और लगभग 83% लोगों ने दोनों खुराक ले ली है। स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 2,40,00,000 से अधिक एहतियाती खुराक भी दी जा चुकी है। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 45% बच्चों को भी वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है। उधर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, दिल्ली और हरियाणा को कोरोना संक्रमण के प्रसार पर पैनी नजर बनाए रखने और इसकी रोकथाम के लिए हर संभव कदम उठाने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि राज्यों को सख्त निगरानी के साथ संक्रमण के किसी भी उभरते प्रसार को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। घरौंडा स्थित इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आज से 8वां राष्ट्रीय सब्जी मेला शुरू हो गया। उद्घाटन घरौंडा विधायक हरविंदर कल्याण ने किया। इस अवसर पर उन्होंने सब्जी मेले में आए किसानों द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्ट तकनीकों के अवलोकन के साथ साथ किसानों को सम्मानित भी किया। विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि आज किसानों की जोत और पानी कम होता जा रहा है, ऐसे में बागवानी ही एक ऐसा विकल्प है जिससे किसान अपनी आय को और बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिक किसानों के लिए नए नए बीजों व तकनीकी खोज करते हैं। इनका लाभ किसानों को देने के लिए इस प्रकार के मेले लगाए जाते हैं। मेले में हरियाणा के साथ साथ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान सहित अन्य राज्यों के किसानों ने हिस्सा लिया। और जब उनके स्टॉल पर जाकर देखा है, जो उन्होंने खेती नई तकनीक से की है, चाहे वो पॉली हाउस की बात है, नेट हाउस की बात है, चाहे वो वर्टिकल फार्मिंग की बात है, चाहे ड्रिप इरिगेशन की बात है, ऐसी सभी तकनीकों को इस्तेमाल करके जो एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट और एक संतुलित कम दवाइयों के साथ, कम खाद के साथ जो किसान यहाँ पर लेकर आए हैं, निश्चित रूप से जहाँ उनकी आमदन भी बढ़ रही है, वहीं आने वाले समय में और भी किसान प्रेरित होकर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेले में आए किसानों ने कहा कि आज समय बदल रहा है, हमें परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी की तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें कम जगह और कम पानी में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। मैं देखने के लिए आए हैं, क्या क्या बताते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट आए यहाँ, किस चीज के लिए है, कैसे खेती होगी आगे, उन्नत खेती के लिए। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में आज पूर्व छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष शिक्षा का बजट 20,000 करोड़ रुपए रखा है, ताकि हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के टारगेट को पूरा किया जा सके। इस साल 4 मेडिकल कॉलेज आरम्भ किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने एलुमिनी से आह्वान किया कि वे कुछ न कुछ धन या स्किल देने का कमिटमेंट करें, ताकि यूनिवर्सिटी की प्रगति में उनका भी योगदान हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व की कई यूनिवर्सिटीज के प्रगति में एलुमिनी का विशेष योगदान रहा है। ऐसे पूर्व छात्रों को अपनी अपनी जगह पर उस संस्थान के नाम से अपने अपने एलुमिनी चैप्टर बनाने चाहिए और संस्थान के साथ जुड़े रहना चाहिए। संस्थानों को भी मैंने कहा है, चाहे हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, उन सबसे वाइस चांसलर से मेरी बात हुई है कि वर्ष में एक बार एलुमिनी डे उनको मनाना चाहिए, अपने पूर्व छात्रों को बुलाना चाहिए, सब परिवार बुलाना चाहिए, ताकि ये भी एक नया परिवार है ये बना रहे और उनके योगदान से हम शिक्षा क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, छात्रों को कैसे मदद कर सकते हैं, उस संस्थान की कैसे विकास कर सकते हैं। तो ऐसे मामलों में दुनिया में बहुत ऐसे
संस्थान है जो इन्हीं अलुमनाई के माध्यम से ही आगे चलते हैं बढ़ते। वहीं समारोह में पहुंचे प्रदेश के डीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल ने भी विश्वविद्यालय से जुड़ी यादें ताजा की। मैं आके एक विशेष फीलिंग होती है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों ने यहाँ से पढ़ाई की है तो गुरु दक्षिणा का भी जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों को ऑनर करना चाहिए। और यहाँ पर आज हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे पूर्व छात्रों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए अपना कमिटमेंट बताया है और उससे यूनिवर्सिटी को नए नए क्षेत्रों में कार्य करने में मदद मिलेगी। बॉलीवुड कलाकार जयदीप अहलावत भी कार्यक्रम में पहुंचे। विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में उन्होंने अपनी छात्र जीवन की यादों को ताज़ा किया। शहर में करीबन एक साल बाद आना हुआ और ये बहुत एक तरह से देखा जाए ना बहुत टाइम बाद कोरोना की वजह से इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए तो वही बहुत बड़ी एक अच्छी फीलिंग थी। और मैं MDU में जब भी फुर्सत होती आता रहता हूँ पर एक ऑफिशियली इतने सारे लोग एक साथ मिले पुराने पास आने लोग आज बहुत टाइम बाद डिपार्टमेंट में आया तो आई फील होम दैट्स द गुड थिंग। आज दुर्गा अष्टमी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि आप सभी के जीवन में मां अंबे की असीम कृपा बनी रहे, देश में अमन खुशहाली एवं सुख समृद्धि का वास हो और सभी प्राणियों का कल्याण हो। मैं मां भगवती से ऐसी प्रार्थना करता हूं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी दुर्गा अष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें। गुजरात के केवड़िया में 2 दिवसीय नेशनल जुडिशियली कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया। कॉन्फ्रेंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मध्यस्थीकरण पर चर्चा हुई। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में न्याय की सुगमता पर विशेष जोर दिया। पीपल हैव इक्वल एक्सेस टू जस्टिस। आई वंडर्ड हाउ एक्सेस टू जस्टिस कैन बी इम्प्रूव्ड फॉर ऑल। फॉर इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन that is also litigant friendly. The ADR system has been introduced in the form of legislation by insertion of section 89 in Code of Civil Procedure. ADR has many modes including arbitration, mediation, conciliation and negotiation, Lok Adalat and judicial settlement. राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी में तकनीक ने दुनिया को एक नए अनुभव से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि जहां तकनीक की मदद से एक और न्याय लोगों को सुगमता से मिलता रहा, वहीं देश के सर्वोच्च संस्थानों में से एक राष्ट्रपति भवन में भी तकनीक के माध्यम से सभी कार्य सुचारू रूप से जारी रहे। अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन मिजरी ड्यूरिंग द लास्ट 2 years or so, if there was a saving grace, it was from information and communication technology. ICT proved most helpful in maintaining essential activities and in keeping the wheels of the economy moving. Like remote working, remote learning helped avoid a break in education. In a way, the crisis has proved to be an opportunity for the digital revolution. DD News हरियाणा प्रदेश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुँच सकते हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना और हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 6,286 लाल डोरा गांवों में ड्रोन फ्लाइंग के लक्ष्य को पूरा करने के साथ ही हरियाणा देश का पहला लाल डोरा मुक्त राज्य बनने की राह पर अग्रसर है। बैठक में जानकारी दी गई कि योजना के तहत अब तक 19 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 26 के तहत आमंत्रित दावे और आपत्तियों की 30 दिनों की नोटिस अवधि भी 20 अप्रैल तक पूरी हो रही है। 24 अप्रैल तक इस योजना के तहत सभी कार्यों को पूर्ण कर लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को अगले 10 दिनों में 50% प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन संपत्तियों से संबंधित कोई विवाद नहीं है उनके प्रॉपर्टी कार्ड शीघ्र अतिशीघ्र बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए। युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय व भिवानी रोजगार कार्यालय द्वारा भिवानी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया।
इसमें फार्मा, आईटी, कंप्यूटर व तकनीकी क्षेत्रों से जुड़ी 5 कंपनियों ने भागीदारी की। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सब डिविजनल मैनेजर ने बताया कि विभिन्न तकनीकी कोर्स करने वाले युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में नियोक्ता कंपनियां प्रतिभाशाली युवाओं की नियुक्ति के लिए पहुंची। आसपास हमारे अभ्यर्थी भी यहां पहुंचे हैं, तो जो कंपनीज आई है वो आईटीआई, नॉन आईटीआई, मेडिकल लाइन से बीटेक, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, इस प्रकार के फील्ड के बच्चों को यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है। और काफ़ी अच्छे हमारे अनुभव के आधार पर हम कहें तो काफ़ी अच्छे लेवल पे हमारा ये इंटरव्यू चल रहा है। बच्चों का, बच्चे भी इंटरेस्टेड है, हमने बच्चों का फीडबैक भी लिया है तो बच्चे खुश हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने यहाँ कॉन्ट्रैक्टर को नहीं बुलाया। मेले में आए युवाओं ने बताया कि उन्हें इस रोजगार मेले में अपने गृह जिला में ही इंटरव्यू देने का अवसर मिला है। रोजगार से जुड़ी उनकी जरूरत को देखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का ये महत्वपूर्ण कदम है। रोजगार मेले में कंपनियों की ह्यूमन रिसोर्स विंग के प्रतिनिधि इंटरव्यू ले रहे हैं जो निजी क्षेत्र में स्थायी रोजगार का कार्य करेंगे। भिवानी में आईटीआई में टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आईटीआई कर रही हूं। आज मैं रोजगार मेले में आई हुई इंटरव्यू देने के लिए। तो मेरा कहने का मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही मेले लगते रहे। इंटरव्यू देकर बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार से यही मांग है कि ये जो रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं ये हर हफ्ते लगाए जाने चाहिए, हमारे युवा साथियों को रोजगार मिले। जैसे इंटरव्यू देने के लिए आए हम सारे जने, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, मैकेनिकल हो गया, फिटर हो गए, और डिप्लोमा होल्डर वाले भी हैं यहाँ पर, जैसे आईटीआई बीटेक वाले भी हैं यहाँ पर। भाई सारे जने, जैसे सबके अलग अलग इंटरव्यू हो रहे हैं और अलग अलग कंपनियां सारी आई हुई हैं यहाँ पर, जैसे गुड़गांव हुए, मानेसर हुए, ये फरीदाबाद हुई, सही कंपनियां आई हुई यहाँ पर। जल जीवन मिशन के जरिए देश के हर घर नल से जल पहुंचाने का प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में ट्वीट करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन आज देश के विकास को एक नई गति दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से भी कम समय में जिस प्रकार करोड़ों घरों में नल से जल पहुंचा है वो जन आकांक्षाओं और जन भागीदारी की एक बड़ी मिसाल है। टीवी वितरण उद्योग में अद्वितीय वृद्धि दर्ज करते हुए दूरदर्शन फ्री डिश 43 मिलियन से अधिक घरों तक पहुंच के साथ सबसे बड़ा डीटीएच प्लेटफॉर्म बन गया है। प्रसार भारती की डीटीएच सेवा डीडी फ्री डिश एकमात्र फ्री टू एयर डायरेक्ट टू होम सेवा है जहां दर्शक को कोई मासिक सदस्यता शुल्क नहीं देना पड़ता। एंटरटेन टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनीष सिंघल ने डीडी फ्री डिश की लोकप्रियता का लगातार बढ़ने पर खुशी जाहिर की। फ्री मार्केट ग्रो होगा, मार्केट तो ऑल मतलब ओवरऑल पे मार्केट इज ग्रोइंग, बट फ्री मार्केट ज्यादा ग्रो होगा कंपेयर टू पे मार्केट। और बहुत कॉम्पैक्ट और गुड कंटेंट अवेलेबल है डीडी फ्री डिश के ऊपर, तो डेफिनेटली उसका फायदा तो मिल ही रहा है डीडी फ्री डिश को और उसमें जो भी अवेलेबल ब्रॉडकास्टर्स हैं। फतेहाबाद जिले के गांव भूथन खुर्द के किसान बलराज जाखड़ पिछले 7 वर्षों से परंपरागत खेती छोड़कर लहसुन की खेती अपनाकर अपनी आमदनी में वृद्धि कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे जयपुर तक लहसुन की सप्लाई करते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। अब लहसुन की लगातार 14 साल से खेती कर रहा हूँ। स्टार्टिंग तो 1 एकड़ 14 एकड़ में लाभ तो लगभग 4 लाख की खेती है, 50,000 रुपया इसका खर्चा है, तो 3-3.5 लाख रुपए आमदन हो ही जाती। ग्रेडिंग करवा के इसकी जयपुर भेजना, करनाल भेजना। बीमारी तो कोई आती नहीं जी, कोई फंगी साइड आ जाए और तो कोई बीमारी है ही नहीं इसमें। बागवानी अधिकारी रवि गौतम ने बताया कि वर्तमान समय में किसानों का रुझान लगातार बागवानी और सब्जी उत्पादन की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा किसानों को 40-75% तक का अनुदान दिया जाता है। पिछले कुछ सालों में बागवानी का क्षेत्र काफी अधिक बढ़ा है, जिसमें प्रमुख है बाग व सब्जियां। इसमें सरकार बाग पर 40% से 75% तक अनुदान राशि दे रही है, जबकि फसलों पर पर एकड़ के हिसाब से 8,000 रुपए दे रही है। वहीं जिले के अन्य किसानों ने कहा कि परंपरागत खेती में लागत भी प्राप्त नहीं हो पाती, इसीलिए उन्होंने परंपरागत खेती के स्थान पर लहसुन की खेती शुरू की है। तो हमने भी यही फैसला किया है भी इस बार लहसुन की खेती करेंगे और लहसुन के साथ साथ प्याज की, हल्दी की, इन सभी चीज़ों की खेती करेंगे ताकि इनमें जो आम जो फसल हम आए बार बोते हैं उनसे ज़्यादा इनकम होगी। तो हम भी उनसे प्रेरणा लेकर ये आगे से वो देखते हैं कि लहसुन बीजेंगे, प्याज और हल्दी या जो भी परंपरागत खेती नहीं है जैसे मशरूम, आगे से वो बीजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें सरकार सब्सिडियाँ भी दे रही है और भी काफ़ी स्कीमें हैं जो इसके तहत आती हैं, तो हमें उनका फ़ायदा उठाना चाहिए।
अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड टीके की एहतियाती डोज देने की होगी शुरुआत। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग होंगे लाभान्वित। घरौंडा से इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आज से 8वें राष्ट्रीय सब्जी मेले की शुरुआत। देश भर से आए किसान कृषि की नई तकनीकों का उठाएंगे लाभ। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र मिलन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कहा, विश्वविद्यालयों की प्रगति में पूर्व छात्र दें अपना योगदान। और दुर्गाष्टमी की मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने देशवासियों को दी बधाई। देश की सुख समृद्धि के लिए की मंगल कामना। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।